डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उर्दू का सबक नंबर 9 एम्बुलेंस की कहानी का आज वर्क करने जा रहे हैं। आप अपने नोटबुक पर नीट एंड क्लीन चैप्टर का नंबर एंड नोट करें, नंबर एंड नेम नोट करेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम अल्फाज मानी करेंगे। दौड़ते हुए, ठीक है, इसका मानी क्या है? भागते हुए। शदीद, ज़्यादा। जदीद, नई तरह। तबाह, तबी, इलाज के। आलात, औजार। इमदाद, मदद। मरीज़, मर्ज में मुबतला शख्स। तड़प, बेचैनी। इब्तिदा, शुरुआत। मुतालिक, बारे में। मौजद, ईजाद करने वाला। महफूज, हिफाजत करने वाला। तब्दीली, बदलाव। सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। सायरन के मानी हैं भोंपू। शदीद, ज़ख्मी और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम करती है, क्या करती है? एम्बुलेंस। हवाई एम्बुलेंस कहाँ के लोगों ने ईजाद की? फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है, एक जुमले में जवाब दीजिए। एम्बुलेंस गाड़ी किस काम आती है? एम्बुलेंस गाड़ी मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाने के काम आती है। एम्बुलेंस का मौजूद कौन है? एम्बुलेंस का मौजूद डीमंक जान लारे हैं। एम्बुलेंस के मौजूद डीमंक जान लारे हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई एम्बुलेंस से क्या फ़ायदा था? हवाई एम्बुलेंस से शदीद ज़ख्मी लोगों को महफूज जगह पहुंचाया जा सकता था। हवाई एम्बुलेंस से ज़ख्मी लोगों को महफूज मुकाम पर भेज दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के डॉक्टरों ने किस बात पर जोर दिया? ठीक है, इसका आंसर है, अमेरिका के डॉक्टरों ने जोर दिया कि एम्बुलेंस में कुछ तबी सामान और सहूलियतों का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये गाड़ी एम्बुलेंस कहलाती है। जंग के मैदान में मर जाना ज़ख्मियों का मुकद्दर समझा जाता था। फौजी सफ़र के दौरान की ज़ख्मी मर जाते थे। ज़ख्मी का इलाज फौरन शुरू किया जा सके। एम्बुलेंस हर बड़े अस्पताल में होती है। सही जुमले के सामने सही और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। एम्बुलेंस शदीद ज़ख्मी और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए होती है। सही, जंग के मैदान में मर जाना ज़ख्मियों का मुकद्दर नहीं समझा जाता था। गलत, फ्रांस ही में कुछ लोगों ने एम्बुलेंस ईजाद की। गलत। अगला पॉइंट है, मगर इस किस्म की एम्बुलेंस में कोई ख़तरा नहीं था। जो एम्बुलेंस शुरू में बनाई गई उसमें ख़तरा था, क्योंकि वो हवाई एम्बुलेंस बनाई गई थी जिसमें बीमार को, मरीज़ को, ज़ख्मी फौजी को एक टोकरे में बैठा करके हवाई गुब्बारे के सहारे उसे उड़ा दिया जाता था और वो कहीं भी पहुंच जाता था। मतलब वो ऐसे स्थान पर भी पहुंच जाता था जहां उसकी जान को ख़तरा हो, तो इसलिए उसमें ख़तरा था। सन 1864 में दुनिया के तमाम मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई। गलत, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका में नहीं, जिनेवा में हुई थी। ओके,
आप लोग इस वर्क को बहुत नीट एंड क्लीन नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ओके, अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन की जो सिलेबस में है वो एक चैप्टर बाकी रह गया है, ठीक है, उसे कल से स्टार्ट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।